दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के लगभग 10 मुकाबले होने को हैं और ऐसे में आईपीएल की सभी टीमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को बेहतर टीम बनाने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे ही आईपीएल के 10वें मुकाबले में दिल्ली और गुजरात की टीम आमने सामने खेलती हुई नजर आई और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के सुपर शनिवार के दूसरे मुकाबले और आईपीएल के गुजरात और दिल्ली की टीम आमने सामने खेलती हुई नजर आई और दोनों ही टीमों के बीच में शानदार मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में दोनों ही टीम बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसमें गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 172 रन का लक्ष्य रखा। और आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही और इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे मुस्तफिजुर रहमान ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मैथ्यू वेल्ड को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद विजय शंकर भी कुछ खास नहीं कर सके और 20 गेंदों पर 13 रन की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए, जिसमें शंकर और शुभमन गिल के बीच में 35 गेंदों पर 42 रनों की साझेदारी हुई। तो वहीं इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी संभाली और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 65 रन की साझेदारी निभाई। और इसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद का जादू देखने को मिला, जिन्होंने 2 विकेट हासिल करे और रहमान ने 3 विकेट हासिल करके गुजरात की टीम को पूरी तरीके से मुकाबले में बाहर करने की कोशिश करी। और गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने के बाद दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी के लिए उतरी तो दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और टिम शेफर्ड मैदान पर आए और पहला ओवर डालने के लिए मोहम्मद शमी आए और मोहम्मद शमी ने जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, उसी प्रकार से इस मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद मोहम्मद शमी से की गई, क्योंकि पिछले मुकाबले में मोहम्मद शमी ने लखनऊ के टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से उड़ाते हुए जीत दर्ज करने का कार्य किया था। तो वहीं पृथ्वी शॉ और जिन्होंने पिछले मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेली थी, इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। उन्होंने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया और इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बटोर लिए, जिसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या स्वयं मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए और जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर 3 रन बनाकर टिम सफर्ड को आउट कर दिया और बल्लेबाजी के लिए मनदीप सिंह मैदान पर आए, जिन्हें पिछले मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौटना पड़ा था और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने मात्र 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। और जिसके बाद तीसरा ओवर डालने आए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी और विकेट निकालने के लिए मोहम्मद शमी को बुलाया गया, लेकिन इस ओवर में विकेट तो नहीं मिला, लेकिन मनदीप सिंह के हाथों मोहम्मद शमी को 2 चौके खाने पड़े और 10 रन इस ओवर में लुटा दिए शमी ने। और वहीं चौथा ओवर डालने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या दोबारा से गेंदबाजी करने के लिए खुद आए और विकेट लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने हार्दिक पांड्या को रिमांड पर लेते हुए 2 चौकों के साथ 12 रन जड़ दिए और दिल्ली की टीम मुकाबले में अपनी मजबूती प्रदान करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन आए और आपको बता दें कि आते ही पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ 10 रन पर आउट कर दिया उन्होंने, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए और वहीं इसी ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने मनदीप सिंह को 18 रन पर आउट कर दिया और दिल्ली की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ललित यादव और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन ने मात्र 2 रन दिए और 2 विकेट हासिल कर लिए। और वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए मोहम्मद शमी आए और इस ओवर में मोहम्मद शमी 2 चौकों के साथ 9 रन लुटा दिए और इसके बाद अगला ओवर डालने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन आए और इस ओवर में ऋषभ पंत के हाथों 2 चौके और 11 रन लुटा दिए और अगला ओवर डालने के लिए राशिद खान आए और अपने ओवर में 9 रन लुटा दिए और इसी के साथ ही दिल्ली की टीम ने 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। तो दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।